हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। समय हो रहा है अभी दोपहर का, 12 बजने वाला है एंड मुझे आज जाना पड़ रहा है पापा को लंच देने, तो मैं लंच देने जाऊंगा। तो हम जा रहे हैं लंच देने। दोस्तों लंच देना हुआ कैंसिल क्योंकि पापा जो कह रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ पे पापा का ऑफिस है वहाँ बारिश हो रही है, इसलिए लंच देना हुआ कैंसिल। यहाँ बारिश हो रही है बट मैं छतरी लेके जा रहा था बट पापा ने मना कर दिया, इतनी नहीं हो रही थी बट अब होने लग गई थी, सो कैंसिल पापा ने बोले चलो फिर घर पे, आज घर पे रहेंगे पूरा दिन। आपको दिखा दूँ आज हमारे डियो ने नहाया, कुछ खाने पीने में लग रहा है। ये है तन्नू, बोले ही कुछ, वो अपने पढ़ने में लग रही है इस टाइम। कल गाइस मैंने एक चीज़ बनाई थी, आपको दिखाऊंगा। मैंने एक फ्रिज बनाया था, मेरी मैम ने मुझे दिया था एडवर्टाइजमेंट में, प्रोडक्ट बनाने को बोला था, तो हमने फ्रिज और एक लिपस्टिक बनाई थी, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है वो चीज़ आप देख सकते हो, ये मैंने बनाई थी आज, मतलब कि कल बनाई थी। मुझे तो अच्छी लग रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी। आज संडे है, आज क्या करेंगे, थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस, स्केचिंग प्रैक्टिस, फिर इलस्ट्रेटर की प्रैक्टिस, उसके बाद थोड़ा गेम खेलेंगे। आपको दिखाता हूँ बाहर का सीन क्या है, ठीक है, चलो देखते चलते। दोस्तों जड़ाके की बारिश हो रही है, मतलब कि तेज होने लग गई है यहाँ पर भी, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि बारिश कितनी तेज, मतलब कि 3-4 दिन से जब से जन्माष्टमी ख़त्म हुई है उसके बाद, नहीं जन्माष्टमी से ही काफ़ी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सही है ये हमारे लिए क्योंकि गर्मी कम हो गई है, इससे थोड़ी सी लग रहा है कि हाँ ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, लेकिन यही तो गर्मी ने इतना पका दिया था ना कसम से। कुछ अभी एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैंने जो स्केचेस बनाए हैं मैं आपको उसकी उसको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने गेस्चर स्केचेस एंड क्यू वगैरह शेडिंग में 3D इफेक्ट के साथ मैंने कैसे बनाया आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी स्केचिंग बुक जिसके अंदर मैं अपने स्केच करने की, मतलब कि जो फाइनल स्केच होता है मैं इसके अंदर बनाता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा फाइनल नहीं कर रखा, देखो ये शेडिंग्स जो सर ने बताई थी हमें, ये वहाँ की शेडिंग्स है, मतलब कि ये डार्क टू लाइट लेके जानी होती है, और फिर डार्क टू लाइट, मतलब डार्क पहले डार्क फिर नीचे लाइट। ये क्यूब्स वगैरह बताए थे हमें 3D इफेक्ट में क्यूब्स वगैरह बनाना, सो ये प्रैक्टिस की थी, और ये स्टार्टिंग में मैंने करी थी, ज़्यादा मेरे से खास नहीं बन पा रहा था। कुछ यही थी कुछ मेरी प्रैक्टिसिंग की एंड स्केचिंग की बुक्स जिसके अंदर मैंने अभी इतना कुछ सीखा है। अभी सेकेंड वीक चल रहा है मेरी क्लासेस का एंड मैंने बाद में अभी कुछ रिसेंटली मैंने ये खरीदी, अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लिया है, सर बोल रहे थे, वैसे मैं रूलर वाली उसमें कर रहा था तो सर ने मना करा, फिर मैंने ये खरीद लिया अभी खरीद। सो रियो पर गए थे अभी फ्रूट्स एंड फिर करते हैं प्रैक्टिस अपनी जो भी स्केचिंग की है, सो फ्रूट देने जा रहा हूँ रियो को। चक्कू कहाँ है यार, चक्कू कहाँ है, मिल नहीं रहा। वाह जी वाह, मस्त लग रहा है ना, सेब इसका पसंदीदा दे दिया है फ्रूट, अब मैं भी खा रहा हूँ उसका, कहीं खाई थे वो, मैंने भी सेब खा लिया, रियो को भी दे दिया। मैं करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करूँगा स्केचिंग की। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है? An hour later. तो मेरी प्रैक्टिस हो ही रही है एंड टाइम आ चुकी हैं फिर से तन्नू की फ्रेंड दोबारा से आ चुकी हैं हमारे ब्लॉग के अंदर। ये हमारे ब्लॉग में घुसना चाहती हैं किसी भी तरह, तो आ ही जाती हैं। तो यहाँ रील्स बनाना सिखाया जा रहा है, देखो देखो ये पढ़ाई की जगह रील्स बनाई जा रही है, कैसे रील्स बनाई जाती है मुझे पहले बता दी हो, देख रहे हो पढ़ाई के बहाने रील्स बनाई जा रही है यहाँ पे, ये लोग रील्स बना रहे हैं, मैं अपने कुछ करना हूँ यहाँ पर। संडे इज़ अ वेरी बोरिंग डे, मेरे कहने का मतलब ये है। यहाँ रियो को देखो कैसे फूल के बैठे हैं भाई, अभी आप इनके रील्स बनेंगे ना तब देख रहे हैं इनको, ठीक है, इसमें मज़ा आएगा देखने। कुत्ते
रील्स बना ले। देख यार कैमरा उधर कर लेना था, ले ले हम तो पहले। ये दया क्यों रे। A few moments later. दोस्तों बहुत देर से मैं एडिटिंग कर रहा था, अब जाके मेरा बना है थोड़ा बहुत। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा था फेस वॉश का, सो आप देख क्लीन एंड क्लियर का, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसा मैंने बनाया। अभी आज ज़्यादा पूरा बनाने करीबन एक घंटा दो घंटे होने वाले हैं। देख सकते हैं ये जो ये वाला है, ये वाला जिसमें मैंने कर्सर कर रखा, ये बना बनाया है, ये मैंने बनाया है। इसमें थोड़ी डिटेलिंग रह रही है, उसके बाद जब बन जाएगा फिर मैं आपको पूरा दिखा। A few inches later. ये फाइनली बन गया है, आप देख सकते हो ये जो है प्रोडक्ट मैंने बना दिया है पूरा का पूरा। किसको देख के बनाया था आपको दिखा देता हूँ, ये वाली इमेज भी, ये दिख रहा है आपको, इसी को देख के मैंने ये बनाया है। अब ये मेरा होमवर्क था, अब ये मैम को मैं दिखाऊँगा, ईमेल आई डी पर सेंड करना है, तो मैंने ये फाइनली बना दिया है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लगा। ये है क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश मैंने बनाया था, सो मुझे आप बताना ज़रूर कि ये कैसा बनाया है। एंड 2 hours later. सो दोस्तों सोकर उठ गया हूँ मैं, अब कुछ खाने की देख रहा हूँ, भूख लग रही थी, काम करते ही मैं सो गया था, थोड़ी बहुत एडिटिंग करी फिर सो गया। अब जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, कुछ खाऊँगा फिर कुछ देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। आपको रियो को दिखा देता हूँ, कहाँ इसको हम यहाँ लटका देते हैं, कुछ मतलब कि थोड़ा बाहर की ताज़ी हवा खाने को मिल जाती है, इसलिए यहाँ लटका देते हैं इसको। सो मैं खाऊंगा अब सब्जी चावल एंड दूध केला, पहले सब्जी चावल खाऊंगा फिर दूध केला खाऊंगा। खा के होते A few moments later. तो 250 रुपये क्यों जाता है? बम लेके आया, इसको डर लग गया था। मम्मी क्या हो गया था? मम्मी को मैंने वीडियो दिखाई थी ना भूत वाली, अपन भी एनएल बनाई थी। अब मम्मी पहले कह रही ये छोटू भैया करा खा रही है, तो मैंने कहा हाँ भैया की करा खा रही। तो मम्मी दोनों वीडियो देखने से बोली, मैंने पूछा मम्मी डर लगा, मम्मी बोले हाँ बहुत जो डर लग गया। मजाक कर रही। तो ब्लॉग यहीं तक का था आज, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। बाय।